office, we have seen you doing many social works and charity events. Being a social contributor, what is that one thing that keep up you on this track to inspire others and help the needy ones in our society? हमारे कमाए हुए धन में से कुछ एक छोटा सा पोर्शन सम्यक विभाग के जरिए समाज के कंट्रीब्यूशन के लिए शेयर करते हैं। अब इन्हीं एक्टिविटीज़ को रूटीन बेसिस पे चलाने के लिए हम लोगों ने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का रूप दे दिया और उस रूप का नाम सन 2010 में हमारे पिताजी ने रखा रजत सिनर्जी फाउंडेशन। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम हमारे सीमित संसाधन के माध्यम से हमारे व्यापार से की हुई कमाई के एक छोटे से पोर्शन को हम रेगुलर बेसिस पे अलग करते रहेंगे और जिस किसी भी ज़रूरतमंद को अपने घर परिवार समाज व्यापार और हमारे प्रतिष्ठान के आसपास के जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनके लिए हम जो भी बेटर और बेस्ट कर सकते हैं अपने संसाधन में उनको हम करने का प्रयास करेंगे। रजत जी, यू आर अ वोरेशियस रीडर। बुक रीडिंग आपके लाइफ स्टाइल का एक अहम हिस्सा है। सो टेल अस दैट वन बुक व्हिच हैज प्लेड अ मेजर रोल इन योर ट्रांसफॉर्मेशन। हमको धीरूभाई अंबानी के बारे में थोड़ा आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला, तब से उनके लिए थोड़ा फैसिनेशन सा हुआ कि कोई भी एक व्यक्ति अपने एक जीवन काल में इतना एम्बिशियस और इतना अच्छा व्यापारी कैसे बन सकता है। फिर ग्रेजुअली उनकी बायोग्राफी हमें मिली जो आज भी मेरी लाइब्रेरी में मेरी सबसे कीमती किताबों में से एक हम मानते हैं। ये हम पास में अभी रखते बैठे हैं, दी पॉलिएस्टर प्रिंस। ये धीरूभाई अंबानी की बायोग्राफी है और एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं हमीश मैकडोनल, इन्होंने लिखी है। बहुत ही अच्छी और बहुत इलैबोरेट तरीके से इसमें बताया कि धीरूभाई अंबानी के जीवन का सफ़र, उनकी एक बहुत ही एवरेज फैमिली से शुरुआत हो करके और वो कहाँ तक पहुँचे। और दूसरी शख्सियत जिसने सबसे ज़्यादा मेरी ओवरऑल थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो यूके बेस्ड एक बिजनेसमैन है जिनकी कंपनी का नाम है वर्जिन। और वो आज की तारीख में मेरे जैसे पता नहीं कितने यंगस्टर्स जो एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके एक आदर्श और मार्गदर्शक और आइडियल और बेंचमार्क रोल मॉडल होंगे, वो हैं रिचर्ड ब्रॉन्सन। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है और इस बुक का नाम है लूजिंग माई वर्जिनिटी बाय रिचर्ड ब्रॉन्सन। रजत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, यू हैव अ फैमिली लिगेसी ऑफ मोर देन 200+ ईयर, तो इतने प्रतिष्ठित पारिवारिक पीढ़ी का हिस्सा होना, इसे आप किस तरह से लेते हैं? तो एक आप ये मान के चलें कि अगर किसी के पास एक अच्छी बिजनेस लेगेसी है और वो उसके बारे में पब्लिक डोमेन में बातें भी करता है तो ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि 5 जनरेशन से हम यहीं टिके हैं और पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यापार कर रहे हैं और प्रयास यही रहे कि आने वाली 5 जनरेशन या शायद उससे भी ज़्यादा व्यापार में उतनी ही ईमानदारी से टिकी रहे। वो आर्ट्स का बहुत शौक है, मतलब आप पे आर्ट्स कलेक्टिंग का बहुत शौक रखते हैं और जो आपको फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि आप आर्ट्स प्रमोटर हैं, तो आपके हिसाब से आर्ट्स आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है? लाइक आर्ट्स क्या आपको, आपके वेलनेस में आर्ट्स का क्या रोल है? देखिए, आर्ट एक बड़ी रूहानी चीज़ होती है, जैसे म्यूज़िक है वैसे ही आर्ट है। और अगर आप थोड़े से भी इमोशनल इंसान हैं तो आर्ट से लगाव होना बड़ा बहुत लाजमी है। के घर पे एक उन्हीं की बनाई हुई बड़ी खूबसूरत सी पुरानी पेंटिंग थी, लेकिन चूंकि वो उनके स्टोर रूम में रखी हुई थी और उन्होंने
ही वॉज ग्रेशियस एनफ कि उन्होंने बोला कि तुमको अगर ले जाना है तो ले जाओ. तो वो हम अपने घर ले हम अपने घर लेके आए और वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की पेंटिंग है. फिर उसको एक दो दिन तक गौर से हम देखते रहे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मिसिंग है. एक अच्छे आर्टिस्ट दोस्त हैं, उनको हमने बुला के उनसे डिस्कस किया. तो चूंकि वो पेंटिंग काफ़ी पुरानी थी और मतलब वो अच्छे से रखी नहीं गई थी, पर स्टोर रूम में रखी हुई थी, तो उसमें क्रैक्स आ गए थे और उसके कलर कहीं फेड हो गए थे और कुछ एलिमेंट कुछ डिस्टर्ब हो गए थे. तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई तवांग मॉनेस्ट्री जब बनी थी तो कैसी थी. उसके ऊपर थोड़ा हम लोगों ने गूगल पे विकिपीडिया पे थोड़ा रिसर्च किया कि तवांग मॉनेस्ट्री दिखती कैसी थी, उसमें गोल्ड कलर का इस्तेमाल कैसे होता था, उसके जो मॉन्क होते थे वो किस तरीके से कपड़े लपेटते थे, और वहां पे जो मॉनेस्ट्री में जो मॉन्यूमेंट्स होते थे उसके ऊपर कौन से बुद्धिस्ट मंत्र लिखे होते थे. तो वो सारे एलिमेंट हम लोगों ने तवांग मॉनेस्ट्री के निकाल के इस पेंटिंग को ग्रेजुअली रिस्टोर करा के अब इसमें गोल्ड के टच आ गए, वो मंत्र आ गए, वो मॉन्क्स के कपड़े के तरीके वो आ गए. तो अब वो पेंटिंग अपने एकदम रियल ग्लोरी में आ गई. सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज एसेंशियल फॉर लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? टारगेट ए हो जाने के बाद टारगेट बी करेंगे, या पहले खूब सारे पैसे कमा लें तब जी लेंगे, या पहले खूब जम के इंजॉय कर लें फिर पैसे कमा लेंगे, ऐसे नहीं. वो एक बैलेंस नहीं हम मानते. हम ये मानते हैं कि एक्सरसाइज करने के टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए, बिजनेस करने के टाइम पे बिजनेस कीजिए, और फैमिली के टाइम पे फैमिली कीजिए, फैमिली के साथ समय बिताइए. तो ये सारी चीज़ें पैरेलली चलें तभी किसी की भी जिंदगी, क्योंकि जैसे कि गालिब की एक बड़ी मशहूर शायरी है, हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग इन योर लाइफ एंड व्हाट मैसेज विल यू कन्वे टू अदर पीपल फॉर योग अवेयरनेस? हमने जिसको हम अपने दोस्तों के साथ हंस के बोलते हैं इसको गुरु हॉपिंग, हम कुछ दिन श्री श्री रविशंकर के कैंप हमने अटेंड किए, हमने ब्रह्म कुमारीज के कैंप अटेंड किए, और हमने विपस्सना के कैंप अटेंड किए, हम ईशा आश्रम जाके कुछ दिन वहाँ हमने कैंप अटेंड किए, हमने हमारे शहर में बनारस में कुछ योगा गुरु हैं हमने उनके साथ कैंप अटेंड किए, हमारे जिम में पावर योगा कराते हैं हमारे एक बड़े अच्छे ट्रेनर, हमने उनके साथ पावर योगा किया, हमने रामशरणम में एक आश्रम है वहाँ पे हमने चैंटिंग सीखी जाके, फिर हमारे अब क्योंकि हमारे घर में एक ऐसा माहौल भी है हमारे मदर की वजह से कि एक आध्यात्मिक माहौल रहता है. तो ये ग्रेजुअली खुद को इवॉल्व करने का एक प्रोसेस है योगा और मेडिटेशन. और एक तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ हमको ये समझनी है कि योगा और मेडिटेशन इज नेवर अबाउट रिलीजन. ये ऐसा नहीं है कि योगा और मेडिटेशन हिंदू ही कर सकते हैं, क्रिश्चियन नहीं कर सकते, या मुस्लिम नहीं कर सकते, या सिख नहीं कर सकते. योगा और मेडिटेशन का हिंदुइज्म से या किसी पर्टिकुलर भगवान से कोई एग्जैक्ट लेना देना नहीं है. हाँ, जहाँ पे चैंटिंग कराई जाती है वहाँ बेसिकली वो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए चैंटिंग इसलिए कराई जाती है कि अगर किसी लेमैन से ये कहा जाए कि कुछ मत सोचो, एक जगह ध्यान केंद्रित करो, तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके लिए ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और जब उससे ये कहा जाता है कि अपने किसी देवी देवता का नाम को बार बार प्रोनाउंस करो और उस साउंड पे फोकस करो, या अपने देवी देवता के तस्वीर आकृति या उसकी मूर्ति का ध्यान करो और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करो और बाकी कुछ मत सोचो, तो ये थोड़ी हेल्प कर देता है. And those who take fitness initiative, the biggest challenge people face is fitness adherence. So how do you manage and keep up your fitness with your work routine? Most important ये है कि कोई भी एक physical activity करनी है जिससे अब
आप कोई भी एक्सक्यूज अगर आप इसमें देना चाहें तो वो आपका एक्सक्यूज है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप क्यों नहीं कर सकते। आपको इसमें ये भी रोक टोक हम तो नहीं मानते कि अगर आपको मिठाई खाने का शौक है तो आप चीट डे करते हैं, आप जब बाहर दावत में जाते हैं या दोस्तों के साथ या परिवार के साथ तो आप खाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपका वर्कआउट हो रहा है, किसी भी तरीके का वर्कआउट हो रहा है, तो आपको कैलोरी, जैसे पैसे के केस में आपको सरप्लस पे फोकस देना होता है, कैलोरी के केस में आपको डेफिसिट पे फोकस। आप ये ध्यान रखें कि आप हर दिन कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, या कैलोरी इनटेक कम करते चलिए और कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया को बढ़ाइए कोई भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के। तो ये सबसे आसान डूएबल तरीका है हम सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे उम्र में छोटे हों, चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे आपके दो बच्चे हों, चाहे आपके बच्चे आपके साथ बिजनेस में हों, चाहे आपके बच्चे छोटे हों। आपकी सेहत आपकी ज़िम्मेदारी है और ये आपके सिवा और कोई भी इसका ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता।